हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू इंक्रीज रेवेन्यू फॉर योर ट्रेवल एजेंसी बिजनेस। तो अगर आप ट्रेवल एजेंसी बिजनेस में हैं और आप अपना रेवेन्यू को इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। जैसे कि आपको पता है, ट्रेवल एजेंसी बिजनेस मॉडल, हमारे पास टूर पैकेजेस होते हैं, हमारा प्रोडक्ट सर्विस, जिन टूर पैकेजेस की हम मार्केटिंग करते हैं उन टूर पैकेजेस के लिए लीड्स जनरेट करते हैं। जहां पे भी कस्टमर को जाना होता है ट्रैवल करने के लिए, टेक्नोलॉजी से पूरे सिस्टम को मैनेज करते हैं। सेल्स टीम लीड्स को कन्वर्ट करती है, ऑपरेशन टीम डे वाइज आइटनरी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन हैंडल करती है। तो बेसिकली ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल है। अब बात करते हैं कि इस अगर बिजनेस है तो इसका रेवेन्यू इंक्रीज कैसे करें। ठीक है, बिजनेस का तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी ट्रैवल लीड्स की, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो पॉइंट है यहाँ पे, कि आपने टूर पैकेजेस क्रिएट कर लिए, मार्केटिंग भी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का भी आप यूज कर रहे हैं, सेल्स टीम भी बढ़िया काम कर रही है, ऑपरेशन टीम भी बढ़िया काम कर रही है, पर आपके पास क्वालिटी लीड्स होंगी, क्वालिटी ट्रैवल लीड्स कस्टमर होंगे, तभी तो ये सिस्टम कंटिन्यूअसली वर्क करता रहेगा और आप प्रॉफिटेबल बिजनेस में रहेंगे। तो बेसिकली क्या है, क्वालिटी लीड्स जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। कि अगर आपके पास 100 लीड्स आई हैं तो उसमें कितनी कन्वर्ट हो रही है, फिर ये भी आपको फोकस करना है कि आपकी क्वालिटी लीड्स आ गई, अब आपकी सेल्स टीम किस तरीके से वर्क कर रही है, कितने टाइम में उनको रिस्पॉन्स दे रही है, लीड्स आने की कितने टाइम में उनको डिटेल्स मिल रही है, या आपके पास पैकेजेस कैसे हैं, रेट कैसा है, सेल्स टीम किस तरीके से फॉलोअप कर रही है, उनको कन्वर्ट कर रही है। तो बेसिकली ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो क्वालिटी ट्रैवल लीड्स जनरेट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस में शेयर करता रहता हूँ। तो जैसे ही आपने ट्रैवल लीड्स यहाँ पे सर्च किया, तो आप देखेंगे कि मेरी वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बहुत सारी वीडियोस मैंने इस टॉपिक पे बना रखी है ट्रैवल लीड से रिलेटेड। तो आप ये वीडियोस भी देख सकते हैं कि 30 टिप्स टू जनरेट ट्रैवल लीड्स, तो मैंने कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको वो समझाया हुआ है कि आप किस तरीके से ट्रैवल लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। और ये मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आप यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो क्वालिटी ट्रैवल लीड्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है गूगल ऐड। गूगल ऐड की यूज हेल्प से आप क्वालिटी ट्रैवल लीड्स जनरेट कर सकते हैं। जैसे शिमला टूर पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली आप सर्च करते हैं, तो यहाँ पे जो टॉप पे देख रहे हैं स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड, तो ये है ऐड जो गूगल के प्लेटफॉर्म पे इन कंपनीज ने यहाँ पे ऐड रन कर रखी है। तो यहाँ पे बाकी ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, तो यहाँ पे जैसे ही कोई यूजर क्लिक करेगा, क्लिक करके इनकी वेबसाइट पे जाएगा, पैकेजेस वगैरह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेगा, इनको इंक्वायरी सेंड करेगा या डायरेक्ट कॉल करेगा, तो इस तरीके से आप भी रन कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी क्यों होती है गूगल एड्स रन करना, बिकॉज ये इनबाउंड मार्केटिंग है। कस्टमर को जहां पे भी जाना है, शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, कश्मीर जाना है, उत्तराखंड जाना है, गोवा जाना है, केरल, तो खुद सर्च कर रहा है, यहाँ पे उसको रिजल्ट्स दिखेंगे, क्लिक करेगा, इंक्वायरी सबमिट करेगा या उनको कॉल करेगा। बाकी जब एड रन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक या इंस्टाग्राम एड रन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो यूजर स्क्रॉल डाउन कर रहा है, उसका इंटरेस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब उसे एकदम से शिमला की एड दिखती है, वो फॉर एग्जाम्पल एक टाइम के लिए इंक्वायरी फिल कर दी, पर उसका इंटरेस्ट में भी ना हो वहां जाने के लिए, तो वहां से जो लीड्स की क्वालिटी आती है एज कंपेयर गूगल एड के कम होती है। गूगल एड में वो खुद सर्च कर रहा है, इंक्वायरी सबमिट कर रहा है, आपके पास इंक्वायरी आ रही है, तो उन्हें कन्वर्ट करना इजी रहता है और वो इंटरेस्टेड होते हैं और क्वालिटी की ट्रैवल लीड्स होती है। इसके अदर देन आप वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं, आपकी वेबसाइट रैंक हो गई, एस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं आप अपनी वेबसाइट का, तो वेबसाइट रैंक होगी, वहां पे क्वालिटी ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, क्वालिटी यूजर्स आना शुरू हो जाएंगे, खुद सर्च करके आ रहे हैं उन कीवर्ड्स को। ये चीजें होगी, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको जिन पे आपको फोकस करना है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है क्वालिटी ट्रैवल लीड्स। अगर आपके पास लीड्स अच्छी आ रही है तो आपकी सेल्स टीम कन्वर्ट करेगी और आपके वहां से रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट इस पे पूरे सिस्टम पे तो देना ही है। अब उसके बाद क्वालिटी ट्रैवल लीड्स कैसे ला सकते हैं, उस पे भी आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि क्वालिटी ट्रैवल लीड्स आएंगे तभी ये सिस्टम वर्क करेगा, तभी आपकी बिजनेस प्रॉफिटेबल रहेगा। सेकेंड मेथड है एड मोर मोर डेस्टिनेशंस। तो इसमें क्या है कि आपको पहले एक डेस्टिनेशन पे एक्सपर्ट बनना है,
एक डेस्टिनेशन पे एक्सपर्ट बनने के बाद आपको क्या हो गया, आपके पास क्लाइंट का एक बेस हो गया, आपके पास लीड्स आ रही है, कन्वर्ट हो रही है, आप अच्छी डेस्टिनेशन के एक्सपर्ट हैं। उसके बाद आप और डेस्टिनेशंस को आपको ऐड करना है। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपके पास देखो कोई भी यूजर आ रहा है तो आपके पास एक ज्यादा ऑडियंस बेस रहेगा कि ज्यादा लोगों को आप सर्व कर पाओगे, ज्यादा ऑप्शंस आपके पास होंगे। किसी को अब हिमाचल गए हैं आपके साथ, अगर उनको आने वाले टाइम में गोवा भी जाना है, केरला भी जाना है, दुबई, थाईलैंड, सिंगापुर भी जाना है, उनको फैमिली फ्रेंड्स के साथ जाना है, कलीग्स के साथ जाना है, अभी हनीमून पैकेज पे जाना, हनीमून पैकेज से जैसे फॉर एग्जांपल अभी किसी को हनीमून पे जाना है, तो आप उसको अगर आपके पास ज्यादा डेस्टिनेशंस होगी तो आप उनको ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, गोवा, केरला, अंडमान, दुबई, थाईलैंड, मालदीव्स, सिंगापुर, इस तरीके से आप डेस्टिनेशंस के ऑप्शंस दे सकते हैं। तो कन्वर्ट कर होना फिर उनके लिए भी इजी हो जाएगा। आपने ऑप्शंस दे दिया, आपके पास डेस्टिनेशंस के भी ऑप्शंस हैं, ज्यादा डेस्टिनेशंस के, तो ज्यादा डेस्टिनेशन के ज्यादा लीड्स आएंगे, ज्यादा कस्टमर को आप कन्वर्ट कर पाओगे, सर्विस प्रोवाइड कर पाओगे। तो सेकंड ऑप्शन जो पॉइंट है हमारा वो है ऐड मोर डेस्टिनेशन। जो थर्ड पॉइंट है स्ट्रोंग ऑनलाइन प्रेजेंस। तो आपको जो अपने बिजनेस की, ट्रेवल एजेंसी बिजनेस की जो प्रेजेंस है ऑनलाइन, क्योंकि आज का जो टाइम है, सारे जितने भी यूजर्स आप देखेंगे कि मोर देन 80% जो भी बुकिंग्स हो रही है वो ऑनलाइन को चीजों को देख के ही, किसी ने लद्दाख की वीडियोस देखी, किसी ने गोवा की वीडियोस देखी, कंटेंट देखा, तो उसी से रिलेटेड फिर सारी चीजें कहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो सोशल मीडिया से, ऑनलाइन ही तो ले रहे हैं सारी, डिजिटली ही तो ले रहे हैं सारी इंफॉर्मेशन कि उन्हें बाली जाना है, दुबई जाना है, उनके फ्रेंड्स बाली गए हैं हनीमून पे, या केरला गए हैं, गोवा गए हैं, अब उन्हें भी जाना है, कोई लद्दाख टूर पे गया है, उन्हें भी लद्दाख बाइक ट्रिप पे जाना है। तो आपको क्या करना है, आप भी को भी अपने बिजनेस की, अपनी ट्रेवल एजेंसी की ऑनलाइन प्रेजेंस को स्ट्रोंग करना है, ताकि वो जो कस्टमर जो यू देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो भी आपके प्लेटफॉर्म से, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, आपकी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन ले, और वहां से फिर आपके चांसेस है कि वो बुक भी आपके साथ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लेना है, तो यूट्यूब पे आप अपने डेस्टिनेशन से रिलेटेड, जिन डेस्टिनेशन में डील करते हैं उनसे रिलेटेड पैकेजेस शेयर करने हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, वहां पे होटल्स, होम स्टेज, रिजोर्ट कौन से हैं, रेस्टोरेंट कौन से हैं, प्लेसेस टू विजिट, थिंग्स टू डू, कौन सा बेस्ट टाइम है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोकेशंस हैं, बहुत वीडियोस आइडियाज हैं, जिन कस्टमर की आपने सर्विस प्रोवाइड की है उनके फीडबैक वीडियो शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे रेगुलरली कॉन्टेंट क्रिएट करना, वेबसाइट पे ब्लॉग्स वगैरह रेगुलर शेयर करना, ईमेल मार्केटिंग करना, गूगल माई बिजनेस पेज पे गूगल जो रिव्यूज है वो क्लाइंट से आप बोल सकते हैं कि रिव्यूज देने के लिए, फेसबुक पे रिव्यूज लेना। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रेजेंस, ऑनलाइन प्रेजेंस स्ट्रोंग बना के रखनी है। ज्यादा आपकी अच्छी प्रेजेंस होगी ऑनलाइन प्रेजेंस, तो वहां से लीड्स भी आएगी, और जो लीड्स आ चुकी है वो देखेंगे कि इनकी ऑनलाइन पे रिव्यूज कैसे हैं, या यूट्यूब चैनल किस तरीके से है, या फेसबुक इंस्टाग्राम किस तरीके से, वहां पे कस्टमर क्या बोल रहे हैं, किस तरीके की आपके वहां पे पैकेजेस हैं। तो अगर इस तरीके की होगी, स्ट्रोंग ऑनलाइन प्रेजेंस होगी, तो वहां से आपके फिर लीड्स भी आएंगी और वो कन्वर्ट भी ज्यादा होंगी। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, अपसेल एंड क्रॉस सेल। अपसेल में क्या होता है, क्लाइंट ने किसी भी डेस्टिनेशन का पैकेज लिया तो आप उसको अपग्रेड करके किस तरीके से कि भाई इसकी बजाय आप ये लेंगे तो आपको ज्यादा एक क्वालिटी मिलेगी, ज्यादा कि कोई हनीमून पे जा रहा है तो उसको बोले कि 3 स्टार के बजाय देखो वंस इन ए लाइफ टाइम होता है तो आप 4 स्टार में अगर करोगे, यहाँ पे बालकनी व्यू के साथ आप रहोगे, बाथ टब वहां पे होगा, इस तरीके से हम डेकोरेट करेंगे पूरे रूम को, ये चीजें प्रोवाइड होंगी, ये फैसिलिटी होगी, तो आपके जो भी, फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब है कि कोई जैसे बजट पैकेज के लिए आया है तो उसको थोड़ा सा और अपग्रेड करके, या स्टैंडर्ड लग्जरी जो आपकी कैटेगरी है पैकेज की वो बनाओ, और उसको देखो कि पैकेज अगर कोई A1 लेने आया है तो उसको पैकेज 2 थोड़ा सा अपग्रेड करके आप से किस तरीके से देख, थोड़ा सा उसको, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर का भी आपको देखना पड़ेगा कि कस्टमर का बजट है या नहीं है, इस तरीके से
कि आप किसको अपसेल कर रहे हो या उनको यूनिक एक्सपीरियंस के लिए. एट द एंड आपको देखना है कि कैसे आप कस्टमर को ज्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं, अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं. तो आप उनको इस तरीके से भी ऑप्शन दे सकते हैं कि हमारे पास इस तरीके के और पैकेजेस हैं, इस तरीके से बालकनी व्यू मिलेगा आपको. क्या पता क्लाइंट खुद ही सर्च कर रहा हो कि मुझे बाथटब चाहिए, मुझे बालकनी वाला चाहिए, मुझे इस तरीके से ये चीजें होनी चाहिए, मुझे ये एड ऑन, ताकि आप उसको थोड़ा सा ऑप्शंस प्रोवाइड करोगे ना, तो उसे भी अच्छा लगेगा कि देखो ये भी हमारे जो हनीमून का पैकेज है, जो वंस इन ए लाइफ टाइम, उसको बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं. ये भी तो आप अपसेल कर सकते हैं. क्रॉस सेल में क्या होता है कि क्लाइंट ने पैकेज ले लिया, उसके साथ साथ आप बाकी चीजें भी उसको किस तरीके से सेल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने आपसे लिया कि उसे मनाली जाना है, तो उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आप उसमें एक्टिविटीज भी ऐड कर सकते हैं कि आप एक्टिविटीज भी इस तरीके से ले सकते हैं. या फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जा रहा है इंटरनेशनल किसी डेस्टिनेशन पे जा रहा है, ट्रैवल इंश्योरेंस से रिलेटेड आप उनको बोल सकते हैं, या जो भी ट्रैवल एक्सेसरीज में फॉर एग्जांपल अगर आप डील करते हैं, तो इस तरीके से और भी जो चीजें हैं उससे रिलेटेड, पैकेज से रिलेटेड, कि आपको पता है कि कस्टमर को ये चीजें चाहिए, तो वो आप उनको सेल कर सकते हैं. तो इससे आप अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका एक कंपनी है जो इंटरनेशनल थाईलैंड टूर पैकेजेस में डील करती है, वो क्या करते हैं कि अपना कंपनी का ब्रोचर जैसे ही एयरपोर्ट पे जाता है, तो उसको वो ब्रोचर्स वगैरह सारी चीजें उसके पास रहती हैं. तो अब उसके वो कंपनी पूरा उनको गाइड करती है कि अब आपको ये करना है, अब आपको वहां जाना है, अब इस रेस्टोरेंट में जाना है, यहाँ पे आपको वाटर स्पोर्ट्स की जो भी एक्टिविटी है वो करनी है, यहाँ पे अदर एक्टिविटीज है वो करनी है. तो ये सारी चीजें आप जैसे ही हमारी कंपनी का वो दिखाओगे, ब्रोचर्स दिखाओगे जो हमारी कंपनी का से आए हैं, तो आपको इसमें 10% 5% डिस्काउंट होगा. तो एट द एंड क्या होता है कि कंपनी ने उनसे B2B रेट ऑलरेडी ले रखे होते हैं कि 20% डिस्काउंट के साथ हमें हमें चाहिए. पर अब क्या होगा कि कस्टमर जहां पे भी जाता है उन्हें लगेगा कि 10% डिस्काउंट है, जो कि ऑलरेडी उन्हें मिल रहा है. पर एट द एंड होता क्या है कि कंपनी का, जिस कंपनी से वो गए हैं, उसका भी फायदा हो रहा होता है. 5 to 10% उसको भी मिल रहे होते हैं, क्योंकि जहां पे भी वो कंपनी का वो ब्रोचर दिखाते हैं, उन्हें पता होता है कि गेस्ट किस कंपनी से आया है. तो यहां से भी देखो, वो खाना खा रहा है वहां पे, एक्टिविटी कर रहा है और सारी चीजें जो भी वहां पे कर रहा है वो, तो उससे रिलेटेड जितना भी रेवेन्यू होता है तो वो कंपनी को भी जाता है. तो इस तरीके से भी आप अपना सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आपको पता है कि जैसे मैंने ऑनलाइन प्रेजेंस की बात की, आज का टाइम जैसे ऑनलाइन का सभी लोग देखते हैं कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो आप भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का फायदा उठा सकते हैं. इसमें क्या करना होता है कि जो भी इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर्स हैं, ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं जो ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं या वीडियोस क्रिएट करते हैं ट्रैवल डेस्टिनेशन से रिलेटेड, तो उनका ऑलरेडी एक यूजर बेस बन चुका है. किसी के 10,000 सब्सक्राइबर हैं, किसी के 5,000, किसी के 1 लाख, किसी के 1 मिलियन. तो इस तरीके से आप उनसे कॉन्टेक्ट करके कि आप हमारी कंपनी के लिए भी वीडियोस क्रिएट करो, आप हमारी कंपनी के लिए वीडियोस क्रिएट करके आप अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे शेयर करो. कुछ होंगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिपेंड करते हैं कि कितने फॉलोअर सब्सक्राइबर है, कम होंगे, इतने ज्यादा नहीं होंगे, तो वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियोस क्रिएट कर देंगे. बस आपको उनको वो टूर जो पैकेज है उसको स्पॉन्सर करना होगा. कुछ होते हैं जिनके ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं 1 लाख से ज्यादा, तो वो क्या करेंगे कि आपको उनको वीडियोस तो क्रिएट कर देंगे, उनके अलावा आपको पे भी करना होगा इनसे. पर इससे क्या होगा कि आपको उतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा मिल जाता है अगर आप अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे स्पेंड करते हैं. तो आप इस तरीके से इस पे फोकस कर सकते हैं. अब बात करते हैं ऑनलाइन रिव्यूज, जो हमने देखा भी ऑनलाइन रिव्यूज. देखो, कोई भी नई लीड्स आती है वो देखेगी कि इस कंपनी के रिव्यूज कैसे हैं, ये कैसे वहां पे प्रोवाइड कर रही है, फूड कैसा है, होटल कैसे प्रोवाइड कर रही है, या पैकेजेस ओवरऑल कैसी सर्विस है. तो आपको ऑनलाइन रिव्यूज पे जहां जहां पे भी है, फेसबुक पे, ट्रिप एडवाइजर पे, गूगल माई बिजनेस पेज पे, तो आप वहां पे अपने रिव्यूज का पे फोकस करना है. जिन कस्टमर को आपने सर्विस प्रोवाइड की है उनको बोलना है कि हमारी जो कंपनी के जो ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको रिव्यूज करने के लिए उनको बोलना है. तो इससे क्या होगा कि देखो, एक अच्छा रिव्यूज 10 नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, और एक बैड रिव्यूज 10 जो नए कस्टमर आने वाले हैं उनको क्या पता कन्वर्ट करने से वो सोचे कि भाई मुझे इस कंपनी के साथ बुक करना चाहिए या नहीं. तो आप फोकस करो कि आपके अच्छे रिव्यूज आए, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करो और अच्छे
रिव्यूज पे फोकस करो। तो यहाँ से क्या होगा कि अगर कोई भी आपके रिव्यूज देख रहा है तो देख के कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। फिर वहां पे लॉयल्टी प्रोग्राम, आपने देखा कि आपकी डेस्टिनेशंस ऐड हो गई है, अब आपने देखा कि कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो आपसे बार बार बुक कर रहे हैं, या आपने एक प्लान ही निकाल दी कि लॉयल्टी प्रोग्राम, अगर कोई लाइक ईयरली कोई एक कार्ड आपने इस तरीके का कोई प्लान बना दे कि पूरे साल का आपको कार्ड की जो वैल्यू है वो 500-600 रुपए में आपने दे दी कि इस कार्ड की ये वैल्यू, अगर जिसके पास ये कार्ड होगा आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से आपके लॉयल कस्टमर है, जिसके पास ये कार्ड होगा उसको जो भी हमारे कंपनी से बुकिंग करेंगे जो नॉर्मल प्राइस है उससे 5% हम आपको कम करके देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि वो और किसी कंपनी के जाने के बजाय, बुक करने के बजाय आपकी कंपनी से बुक करेगा, और इस तरीके से आप लॉयल्टी प्रोग्राम बना के अपने रिवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है B2B पैकेजेस। अब आपके एक डेस्टिनेशन में एक्सपर्ट हो गए, धीरे धीरे और डेस्टिनेशंस में एक्सपर्ट हो रहे हो, अब जो नई कंपनी से जो भी स्टार्ट हो रही है जिनको अभी नहीं पता डेस्टिनेशन की नॉलेज, तो आप उनको B2B रेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपका एक अच्छा B2B नेटवर्क बन गया कि जो आपसे B2B पैकेजेस ले रहे हैं, बेशक उनसे मार्जिन थोड़ा कम रहता है, पर ये जो B2B एजेंट्स होते हैं ये काम भी तो आपके साथ रेगुलरली करेंगे। कोई 1 साल काम कर रहा है, कोई 2 साल, कई एजेंसीज के साथ तो मैं देखता हूँ वो बताते हैं कि ये एजेंट मेरे साथ 10-10 साल तक से जुड़े हुए हैं, तो कितना जबरदस्त रेवेन्यू आप वहां से जनरेट कर सकते हो सिर्फ एक एजेंट से, अगर आपके पास अच्छे B2B पैकेजेस हैं तो आप फोकस करो कि अच्छे B2B पैकेजेस बनाए और अच्छे आप एजेंट्स के साथ कॉन्टेक्ट करके तो उनको अच्छी सर्विस, अच्छे पैकेजेस प्रोवाइड कर दे ताकि वो फिर आपके साथ काम करे। इस तरीके से भी आप अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कंप्लीट इंक्रीज कैसे कर सकते हैं रेवेन्यू ट्रेवल एजेंसी बिजनेस का। तो बात की सबसे पहले क्वालिटी ट्रेवल लीड्स की, फिर ज्यादा डेस्टिनेशन आपको ऐड करनी है, स्ट्रोंग ऑनलाइन प्रेजेंस, अपसेल एंड क्रॉस सेल करना है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ऑनलाइन रिव्यूज, लॉयल्टी प्रोग्राम, B2B पैकेजेस। तो इस तरीके से आप अपने रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं, ट्रेवल बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी वीडियोज आप देखो, सब में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। कोई क्वेश्चन है कमेंट करना, इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, हैव ए नाइस डे।